Hey guys, welcome back to A Village Live. तो guys, आज यहाँ पे मौसम बदल चुका है, विलेज में मौसम बदल चुका है। तो guys, मैं जा रहा हूँ मेरा गोटेरी फार्म की तरह। तो guys, क्यों ना आज वीडियो बनाऊँ, बोल के इतना ज़्यादा रात में हवा बोलता है ना, वाइंड आया था। तो guys, उसके वजह से हमारा तो नीचे का गोटेरी फार्म ऑलमोस्ट ही ऊपर का छाना लेके चला गया जैसे लग रहा है, उड़ा के लेके चला गया जैसे लग रहा है। तो guys, वही ही आज वही देखना पड़ेगा, लेके गया नहीं गया। तो guys, इतना ज़्यादा देखो अभी भी हवा बोलता है, मस्त करके चल रहा है, तो थंडरिंग भी हो रहा है। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ नीचे की तरह। तो मेरा डेली की तरह रूटीन में यही ये कैरी बैग मैं लेके जाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे कुछ खाने के लिए है, तो खाने के लिए नहीं, हमको खाने के लिए नहीं, वो बकरी को खाने के लिए है। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ नीचे की तरह। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए मौसम इतना ज़्यादा सुहाना बन चुका है, क्या बोलूँ, अभी रेनी सीजन इंटर हो चुका है। सबसे बड़ी बात वही है, क्योंकि अभी नज़दीक में ग्रास ज़्यादा पलाएगा बोलता है ना, उमरेगा ना। तो मैं जा रहा हूँ मेरा, देखिए आज थोड़ा वेट है ये भारी, तो उसकी वजह से मैं कैमरा अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह में मैं रनिंग ही कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये है आर्मी जैसा ड्यूटी। हम रन हो रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है जैसे लग रहा है, तो मैं जा ही रहा हूँ। तो गाइस, मैं अभी पहुँचने वाला हूँ आपको मालूम का रास्ता देखे। तो गाइस, मैं अभी गोटेरी फार्म के पास पहुँचने वाला हूँ। तो गाइस, यही बोलूँ ऐसे रहता है। तो फाइनली इंटर हो चुका हूँ मेरा गोटेरी फार्म के पास। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ठहरा, और ये थोड़ा नीचे गिरा दिया, इसको मिलाना है, मैं सोचा था ये। तो गाइस, यहाँ पे सभी ठीक है, मैं जा रहा हूँ नीचे काउ की तरह। तो काउ का देखना पड़ेगा, काउ का छाना उठा है कि नहीं उठा है। तो गाइस, मुझे ये कैरी कर लिया, ये है इसको बोलता है रामबा चंदी जी। पाव के पास जा रहा हूँ क्योंकि पाव का खाना बनाना है, तो वहीं से जाके देखना पड़ेगा उसका खाना उड़ाया कि नहीं उड़ाया बोलता। तो देखिए चला गया कि नहीं चला गया। तो मैं जा रहा हूँ नीचे की तरह। तो यहाँ पे तो गाइस, मेरा चिल्ली भी अभी ऑलमोस्ट पैसा देने वाला है। यहाँ पे देखिए ग्रीन सा हो चुका है, वो देखिए मेरा पाव नीचे की तरह। तो मैं काउ के पास ही जा रहा हूँ। सचमुच गाइस, ऐसा हो चुका है यहाँ पे, ये बिगड़ा हुआ है और काउ को बनाना है। तो बारिश देखिए, मौसम इतना ज़्यादा अंधेरा आ चुका है, तो बारिश थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये बनाने वाला हूँ, तो अभी तो गाइस, मैंने काउ को रेडी कर दिया है। देखिए अब काउ का गोट बन गया, मैं जा रहा हूँ ऊपर के। तो गाइस, क्या बोलूँ, सुअर को भी लेके चला गया जैसे लग रहा है। तो मैं गाइस ऊपर के सुअर के पास जा रहा हूँ। तो गाइस, मेरा कैमरा का ऊपर से देखिए, ये कैमरा को मैं ऐसा कर, उसके बाद वीडियो बना। तो गाइस, ऐसा करके यहाँ पर उसका नेचुरल उसका अम्ब्रेला भी मिल चुका है। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये बोल नहीं सकते, लिमिटेड बारिश हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पे देख लिया होगा सुअर को ऑलमोस्ट भी ठीक है। छत मेरा होम स्टे यहाँ पे बिगड़ है, टाटा बना।
तो भाई आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडे के वजह से हम आपके सामने आके बैठ के आग ताप रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है, बारिश आ रहा है बाहर में, तो भाई ऐसा रहता है दिल्ली में। तो आज यहाँ पे देखिए सभी बच्चे लोग भी आके आगे ताप रहे, क्योंकि ये लोग को भी आग पसंद है ना। तो भाई ऐसा करके हम लोग रेनी सीजन के टाइम में आपको गला के ऐसे करके बैठ रहे। घर जाना है तो घर के लिए भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पे है ऑर्गेनिक सब्जी, ये है रेनी सीजन का मज़ेदार सब्जी। तो गाइस अब जाना है घर की तरह, तो मज़ेदार मैं ये पहनता हूँ, ये है मेरे रेनी सीजन का रेनकोट। और दूसरा क्या है मज़ेदार बोलेगा तो ये है, अभी आज से यूज़ होगा ये है, ये देखिए ये है सचमुच ब्यूटीफुल सा। हम लोग ऐसा करके बैम्बू का है ना वो निकाल के बनाता है। तो गाइस आज से ये यूज़ होगा क्योंकि बारिश आ रहा है। अब मैं पहनूंगा ये, देखिए सच में हमको गोरखा रेजिमेंट जैसा लग रहा होगा। तो गाइस ऐसा करके हम लोग रेनी सीजन के लिए यूज़ करता है ये। फाइनली मेरा ड्रेस बन चुका है और ये रेनकोट भी मैंने पहन लिया और ये भी टोपी की आप भी मैं पहन लिया। अब जाना है घर की तरह, तो गाइस यहाँ पे है हमारे, ये है ऑर्गेनिक सब्जी, तो इसको लेके जाना है। तो बहन को हम यहीं छोड़ के जाएंगे। तो बारिश आ रहा है, यहाँ आग में बैठा हाँ ठीक है, तो सभी यहाँ पे आग में बैठ रहे। तो भाई अब दिलीप भाई घर की तरह निकल चुका है। तो गाइस अब जाना है घर की तरह क्योंकि बारिश आ रहा है, लाइटिंग भी थोड़ा हो रहा है, गड़ी भी आ रहा है, ब्यूटीफुल गए यहाँ जो आर्किट वो फ्लावर्स दिखाया था उसको सुनना खरी बोलता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत रहता है। तो भाई सच में आज बहुत ज़्यादा सुहाना हो चुका है, इतना ज़्यादा गर्मी हो चुका था यहाँ पे, तो क्या ही बोलूँ। गर्मी के वजह से ना आदमी लोग ऊपर जाने वाला था, आज ऊपर वाला ने बारिश कर दिया, मौसम भी अच्छे लग रहा होगा देखिए। तो गाइस आज से मेरा ये भी हो गया हेलमेट भी, मैं पहन के जा रहा हूँ। तो ऐसा रहता है विलेज में, बारिश हो गर्मी हो उससे डरना नहीं आगे बढ़ना, ऐसा रहता है विलेज में। देखिए सचमुच ग्रीन सा हो चुका है, तो गाइस क्या ही बोलो। तो भाई मैंने कैप इसको उतार लिया है क्योंकि ये लगाने से थोड़ा पहले पहले जो गर्मी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये चारों ओर से प्लास्टिक के घेरा हुआ रह के बना है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अभी गर्मी महसूस हो रहा है हमको, थोड़ा मैं ऊपर की तरह आ चुका हूँ, ये जल्दी जल्दी घर की तरह जा रहा हूँ। तो ऐसा हम लोग विदेश में सर्वाइव कर रेनी सीजन में, आगे वीडियो में देखते देखते आगे रेनी सीजन के टाइम में हम लोग क्या क्या उगाते हैं, क्या क्या करते हैं, विदेश लाइफ से भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर, इतना सुंदर है ना। आज का वीडियो इतना ही था क्योंकि सुबह बारिश आया था, इसलिए मैं वीडियो बनाया। तो बारिश स्टार्ट हो चुका है, तो गाइस सभी जनवर धीरे धीरे ड्रेस लाइक भाई।